अमेरिका के दक्षिणी मैदानी क्षेत्रों ओजार्क समेत चार प्रांतों में तूफान से अब तक 21 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों भवन तबाह हो गए हैं। मौसम और बिगड़ने की आशंका जताई गई है। फिलहाल अधिकारियों के अनुसार अंकार्सर्स में 8, टेक्सास में 7, वहीं केंटुकी में 4 और ओक्लाहोमा में 2 लोगों की मौत हुई है। तलाशी और बचाव अभियान अभी जारी है और इसी के बीच मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जाहिर की गई है। तूफान के कारण बिजली सेवा बाधित होने से टेक्सास के केंसास, मिसौरी, अरकनसस, टेनेसी और केंटुकी में 4,70,000 से ज्यादा लोग बिना बिजली रहने के लिए बाध्य हैं। ग्रेटर डल्लास क्षेत्र में तूफान से कई वाहन पलट गए और हाईवे के एक भाग को बंद करना पड़ा। वही केंटुकी के गवर्नर एंडी बेशियर ने अपने प्रांत में आपात स्थिति की घोषणा कर दी। बता दें कि 200 से ज्यादा घरों के साथ ही अन्य भवन तबाह हो गए और 100 से ज्यादा अन्य क्षतिग्रस्त हुए हैं।